हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने ग्रेचुटी का कंसेप्ट कवर किया था। आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं रिलेटेड टू ग्रेचुटी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको लास्ट वीडियो देखना जरूरी है, जिसमें मैंने ग्रेचुटी का कंसेप्ट समझाया है। तो पहले आप ग्रेचुटी का कंसेप्ट समझेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप लास्ट वीडियो जरूर देख लेना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्टर सर्विंग फॉर 32 ईयर्स इन अ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, मिस्टर राजेश रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन 1 फेब 2020। The company pays him a gratuity of ₹3,40,000. Gratuity का अमाउंट आपको दे रखा है 3,40,000, ठीक है? His basic salary till June 2019 was 15,200 per month, and from July onwards 15,600 per month. He got 15% of his salary as dearness allowance. Dearness allowance आपको दिया हुआ है 15% of basic, which is treated as salary for computation of retirement benefits. इसका मतलब पूरा का पूरा DA जो है वो retirement benefit का पार्ट है, ठीक है? और उसकी service period is 32 years. तो ये सारी information को ध्यान में रखते हुए आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाइज और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 डज नॉट अप्लाई। तो दो आपको एक तरीके से सिचुएशन दे रखी है, तो इन दोनों सिचुएशन को एक एक करके हम देखेंगे, तो ये आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाएगा। यानी पहले आपको पूरी ग्रॉस सैलरी निकालनी है कंसिडर करके कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई होता है। दूसरे केस में आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी है अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं हो तब, ठीक है? तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं और हमें फॉर्मेट जरूर फॉलो करना है। जो भी हमने सैलरी का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, फॉर्मेट में भी ही हमें क्वेश्चन करने हैं। तो फॉर्मेट क्या था हमारा, सबसे पहले पर्टिकुलर्स आते हैं और फिर उसके बाद दो अमाउंट के कॉलम आएंगे, ठीक? अब यहां पे हमसे ग्रॉस सैलरी पूछा है, तो हम अपने फॉर्मेट में बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के लिए उसने बोला है हिज बेसिक सैलरी इन प्रीवियस ईयर, हिज बेसिक सैलरी टिल जून 2019। इसका मतलब प्रीवियस ईयर जो 1920 का है, अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के लिए उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 15,200 थी पर मंथ। उसके बाद जुलाई से उसकी सैलरी हो गई 15,600 पर मंथ। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि फेब में एम्प्लॉय रिटायर हो गया प्रीवियस ईयर में ही। प्रीवियस ईयर इज अप्रैल 19 टू मार्च 20, तो प्रीवियस ईयर खत्म होने से ही पहले फेब में एम्प्लॉय रिटायर हो गया है, तो आपने बेसिक जनवरी तक ही पे करनी है। 12 महीने की बेसिक नहीं दे देना यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स की फेब एंड मार्च की उसको बेसिक नहीं मिली, क्योंकि वो फेब में ही रिटायर हो गया। तो जनवरी तक की हम कैलकुलेशन करेंगे। प्रीवियस ईयर में जनवरी तक उसको बेसिक सैलरी मिली, और कैसे मिली है, पहले 3 मंथ्स के लिए 15,200 पर मंथ मिली है। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के लिए इतनी मिली, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 45,600। उसके बाद जुलाई से, जुलाई ऑनवर्ड्स, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और जनवरी तक, ठीक है? 7 मंथ्स, तो 7 मंथ्स के लिए उसको मिली है 15,600।
15,600 बेसिक सैलरी मिली 7 मंथ्स की। तो बिना सोचे समझे हम इंटू 12 या फिर 12 महीने की सैलरी नहीं दे देंगे। हमें देखना है एम्प्लॉय रिटायर कब हुआ। अगर वो प्रीवियस ईयर में ही रिटायर हो गया तो जिस डेट पे वो रिटायर हुआ है उस डेट तक की उसको बेसिक मिलेगी, या बाकी कैलकुलेशन भी उस डेट तक की होंगी। ठीक है, तो 3 मंथ्स की एंड 7 मंथ्स की, 7 मंथ्स का टोटल आ जाएगा आपका 1,09,200। ठीक है, तो फाइनल बेसिक सैलरी जो हो गई एम्प्लॉई की, ये हो गया 800 और ये हो गया आपका 1,54,800। ठीक है, ये आ गई बेसिक सैलरी जो प्रीवियस ईयर में मिली। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है ही गॉट 15% ऑफ हिज सैलरी एज डेयरनेस अलाउंस। अब ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया कि डेयरनेस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल अलाउंस, तो डीए आपको देना है, लेकिन डीए कब तक का मिलेगा? जनवरी तक का। ठीक है, क्योंकि फेब में रिटायरमेंट हो गया, तो जनवरी तक का अगर मिलेगा और 15% ऑफ बेसिक है, तो अगर ये जो आपकी बेसिक आई है ये हमने 10 मंथ्स की निकाली 3 और 7, इसी का मैं 15% कर दूंगी तो डीए भी आपका 10 मंथ्स का आ जाएगा। ठीक, तो डीए आपका हो गया 1,54,800 का 15%। तो सीधा हम आउटर कॉलम में लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका 1,54,800 का 15%, 23,220। ठीक है, आप भी कैलकुलेशन साथ के साथ करते रहेंगे। बेसिक सैलरी आ गया, डीए आ गया, और क्वेश्चन में हमें बोला है कि ग्रेचुटी रिसीव हुआ है, द कंपनी पेज हिम अ ग्रेचुटी ऑफ 3,40,000। अब आप लास्ट क्लास की वीडियो में जब देखोगे तो ग्रेचुटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था अगर एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर एम्प्लॉई ऑफ लोकल अथॉरिटीज, तो उनके लिए ये ग्रेचुटी जो है, जो भी अमाउंट रिसीव किया इज फुली एग्जम्प्ट। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में एम्प्लॉई कवर होता है तो अलग कैलकुलेशन थी। हमारे पास 3 कंडीशंस, 3 में से मिनिमम वैल्यू विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड वैल्यू, और कवर नहीं होता है तो 3 कंडीशंस थी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है वॉज वर्कड विद कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एग्जेम्प्टेड वैल्यू ग्रेचुटी की निकालनी पड़ेगी। तो ग्रेचुटी टैक्सेबल वैल्यू कैसे आएगी? टोटल ग्रेचुटी जो आपने रिसीव किया 3,40,000 इनर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इसमें से आप लेस कर दोगे एग्जम्प्टेड वैल्यू। अब ये एग्जम्प्टेड वैल्यू हम निकालेंगे वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी बताया इस तरीके से। तो यहां पे अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो जो भी एग्जम्प्टेड वैल्यू आएगी टोटल में से लेस करके आउटर कॉलम में हम अमाउंट लिख देंगे। ये अमाउंट जो आएगा ये ग्रेचुटी की टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में और कुछ फॉर्मेट में ऐड करने वाला हमें नहीं दिया और कोई अलाउंस वगैरह, तो हमारे ग्रेचुटी हमने लिख दिया, बेसिक हमने लिख दिया, डीए हमने लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे जब हमारी फिगर आ जाएगी और इसका हम टोटल कर देंगे तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें वर्किंग नोट बनाना है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेचुटी। क्या ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉई इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ये फर्स्ट केस अभी हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये वर्किंग नोट देखते हैं कि हम ये कैसे एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालेंगे। अब हम वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेचुटी, और कंडीशंस कौन सी वाली लगानी है? जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो। ठीक है,
तो हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, तीन वैल्यूज हम निकालेंगे तीन कंडीशन से, और मिनिमम वैल्यू हमारी एग्जम्प्टेड वैल्यू बन जाएगी ग्रेचुटी की। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी थी एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। तो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3,40,000। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बताती रहती हूँ कि आपने डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिख देना है, आप लिखोगे एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड इज इक्वल्स टू करके 3,40,000। सेकेंड हमारी फिक्स्ड लिमिट होती है 20 लाख की, अगर कोई एग्जम्पशन अवेल नहीं की गई है तो वो हम लेस नहीं करेंगे, अगर कोई एग्जम्पशन हो तो वो हम 20 लाख में से लेस कर देंगे। दो लिमिट, दो कंडीशंस हो गई, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड एंड लिमिट, फिक्स लिमिट 20 लाख। थर्ड कंडीशन होती है हमारी 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। ठीक, अब हमें 15 डेज की सैलरी निकालनी है कंप्लीटेड ईयर्स के लिए, और अगर 6 मंथ से एक्सीड कर जाता है सर्विस पीरियड तो उसको हम 1 ईयर मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमें दिया ही हुआ था क्वेश्चन में कि 32 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीटेड ईयर्स हैं ऑफ सर्विस के, तो मंथ वाला तो कोई केस नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता 32 ईयर्स एंड 7 मंथ्स तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो है वो 33 ईयर्स हो जाता, या फिर 32 ईयर्स एंड 5 मंथ्स होता तो वो 32 ईयर्स रहता। ठीक है, ये डिटेल्स मैंने आपको लास्ट क्लास की वीडियो में बताई हैं। तो हमें 15 डेज की सैलरी निकालनी है। अब 15 डेज की सैलरी निकालने के लिए हमें पहले सैलरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सैलरी में इस केस में आपकी सैलरी की डेफिनेशन थी बेसिक प्लस डीए, कंप्लीट डीए। यहाँ पे डीए के आगे कोई कंडीशन नहीं है एज पर दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो लिखा होता है, कि यहाँ पे हम डीए का रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब आपको ओवरऑल डीए लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 15 डेज की सैलरी निकालनी है, तो यहाँ पे आप जो सैलरी निकालोगे वो मंथ की निकाल लो। अगर आप मंथ की सैलरी निकाल लेते हो, 1 महीने की सैलरी, तो उसके हिसाब से आपके लिए 15 डेज की सैलरी निकालना इजी हो जाएगा। एनुअल निकालोगे तो उसको 15 डेज में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, तो हम 1 मंथ की सैलरी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ध्यान में क्या रखनी है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये जो आपने बेसिक एंड डीए लेना है, ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना बेसिक था या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डीए कितना था, वो वाला आपने कंसिडर करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स में दे रखा था, एक पार्ट था 15,200 3 मंथ्स के लिए, और फिर जुलाई ऑनवर्ड्स से 15,600। तो फेब में एम्प्लॉय अगर रिटायर हुआ है तो ऑब्वियसली जुलाई ऑनवर्ड्स जो उसकी बेसिक है वो वाली हमें यहाँ पे लेनी है। जनवरी में उसकी बेसिक 15,600 थी, फेब में वो रिटायर हो गया, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 15,600 थी, तो वो वाली आप पर मंथ की यहाँ पे कंसिडर करोगे। हमें 1 मंथ का निकालना है, सैलरी 1 मंथ की निकालनी है, तो बेसिक हमने 1 मंथ की ले ली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 15,600। डीए क्या है, सैलरी का बेसिक का 15%, तो ये आपका क्या हो जाएगा 15,600 का 15%। ज्यादा पढ़ाई कर ली लगता है, पेन खत्म होने लगा है, चलो कोई नहीं। 15,600 प्लस डीए
इस बेसिक का 15%, और रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट वाला कुछ नहीं है, ओवरऑल डीए आपने कंसिडर करना है। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे भी दिया था कि डीए जो है वो पूरा ही आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो हमने पूरा ही ले लिया वैसे भी। अब इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 15,600 प्लस 15,600 का 15% इज 2,340। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15,600 प्लस 2,340 इज 6,900 एंड 7, तो ये हो गया आपका 17,940। अब ये आपकी सैलरी आई है। ठीक है, तो क्या चीजें आपने सैलरी में ध्यान रखनी है? पहली चीज, पर मंथ का लेना है यहाँ पे, एनुअली नहीं लेना। दूसरी चीज, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेसिक कितनी थी एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डीए कितना था वो लेना है। और तीसरी चीज, डीए जो है वो कंप्लीट डीए आपने कंसिडर करना है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट वाला जो है वो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पूरा का पूरा डीए आपने लेना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने सैलरी निकालनी है। अब ये हमारी सैलरी आ गई। थर्ड पॉइंट के हिसाब से हमें निकालनी थी 15 डेज की सैलरी। ठीक है, ये हमारी 1 मंथ की आई है। अब 15 डेज की सैलरी निकालने के लिए, 15 डेज सैलरी कितनी होगी? जो आपकी सैलरी आई है 17,940, अगर मैं 1 मंथ की बोल रही हूं कि ये सैलरी है, तो 15 डेज यानी हाफ निकालने के लिए मैं डिवाइड बाय 2 कर सकती हूँ, या फिर मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 30 कर देती। ठीक है, ये नॉर्मल केस होता, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई बाय 15 तो करेंगे, डिवाइडेड बाय 30 नहीं करना, डिवाइडेड बाय 26 करना है। अब ये 26 का क्या मतलब है? 4 संडेज जो होते हैं नॉर्मली, हम इन जर्नल जो आपके पीरियड नंबर ऑफ डेज होता है वो हम 30 डेज इन अ मंथ कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 30 डेज के हिसाब से इसमें से हम 4 संडेज ये हम लेस कर देते हैं, तो 26 हम कंसिडर करते हैं कि 26 वर्किंग डेज है, तो हमें यहाँ पे वर्किंग डेज लेना। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे तो 31 डेज भी होते हैं मंथ में, 29 डेज भी होंगे फेब में, 28 डेज भी होंगे, तो हमें तो इन जर्नल सबके हिसाब से लेना ना। तो इन जर्नल हम 30 डेज कंसिडर करते हैं, और 30 डेज में से 4 संडेज लेस करके हमारे 26 वर्किंग डेज बनते हैं। तो हमें 15 डेज की सैलरी निकालने के लिए 26 वर्किंग डेज कंसिडर करना है। तो अगर ये 26 डेज की सैलरी है हमारे वर्किंग डेज के हिसाब से, तो 15 डेज में इसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26 कर देंगे, तो ये हमारी 15 डेज की सैलरी आ जाएगी। अब ये स्टेटमेंट दोबारे अगर हम पढ़े, तो 15 डेज सैलरी, तो इस स्टेटमेंट में 15 डेज की सैलरी निकालने के लिए हमने पहले सैलरी निकाली, जो हमारी सैलरी की डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग, और फिर हमने 15 डेज की सैलरी निकाल ली इसके अकॉर्डिंग। अब स्टेटमेंट में आगे क्या बोल रहा है? फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। तो इस क्वेश्चन में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस थे उसके 32 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो हम यहां से हमारी वैल्यू आएगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से। तो थर्ड वाले पॉइंट में आपकी वैल्यू, थर्ड पॉइंट में वैल्यू क्या आएगी? 17,940, यानी जो हमारी सैलरी आई थी, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26, ये 15 डेज की सैलरी हो गई, और मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 32। अगर मंथ होते हैं तो मंथ का आपने ध्यान रखना है, 6 से ज्यादा है तो उसको 1 ईयर कंसिडर करना। ठीक है, तो यहां से ये कैलकुलेशन करी, इस कैलकुलेशन को करके आपकी थर्ड वैल्यू में, जैसे फर्स्ट में आया 3,40,000, सेकेंड में आया 20 लाख, और थर्ड में आपकी वैल्यू आ जाएगी थर्ड कंडीशन के हिसाब से, इसको सॉल्व करके 3,31,200।
ठीक है। अब तीन वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, 340, 20 लाख एंड 331, 200। अब इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू इज 331,200, ये मिनिमम वैल्यू है, तो ये आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी, एग्जम्प्टेड वैल्यू। अब हमने एग्जम्प्टेड वैल्यू निकाल ली, अब इस एग्जम्प्टेड वैल्यू को आप अपने फॉर्मेट में फिल कर दो, ठीक है। तो अभी वर्किंग नोट में जो हमारी एग्जम्प्टेड वैल्यू आई वो हम यहां पे लिख देंगे 331,200, टोटल में से लेस कर दिया, टैक्सेबल वैल्यू आपकी आ जाएगी 8,800। और अब हमारे सारी फिगर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, बेसिक आ गया, डीए आ गया, ग्रेचुटी की टैक्सेबल वैल्यू आ गई, तो हम ग्रॉस सैलरी निकाल देंगे, सबको एडिशन करके हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, ये हो गया आपका 20,820 और ये हो गया आपका 1,86,820 आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी जब एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई होगा तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब हम सेकेंड केस देखते हैं जहां पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई ना हो, तब आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी आएगी। बाकी सारी कंडीशन सेम है क्वेश्चन में, बस ये चेंज हुआ है कि पहले कवर हो रहा था, अब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होता, ठीक है। तो अब हम सेकेंड केस देखेंगे। अब सेकेंड पार्ट में जहां पे हम बोल रहे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अगर अप्लाई नहीं होता तो ग्रॉस सैलरी क्या आएगी, तो बेसिक और डीए तो आपका सेम ही रहेगा, जैसे हमने पहले किया उसी हिसाब से मैंने लिख दिया है, ठीक है। बेसिक और डीए जैसे हमने अभी निकाला उसी हिसाब से निकाल के ये सेम रहेगा, और डीए भी जैसे हमने निकाला वो सेम रहेगा। टोटल ग्रेचुटी रिसीव्ड हमें दिया हुआ था, अब चेंज कहाँ पे आएगा, वर्किंग नोट में, जो हमें एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालनी है ये वर्किंग नोट में, वहां पे चेंजेस आएंगे, तो वो कंडीशंस जो है वो चेंज हो जाएंगी। अब वहां क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं वर्किंग नोट रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ, ये एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालनी है हमें ग्रेचुटी की अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई ना हो तब, ठीक है। तो हम अभी ये वर्किंग नोट देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। तो ये हमारा वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेचुटी इफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 डज नॉट अप्लाई, ठीक है। अब इसमें हमारे पास तीन कंडीशंस है, तीन में से मिनिमम वैल्यू विल बी एग्जम्प्टेड वैल्यू। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन तो सिमिलर है और इजी, जैसे हमने लिखा था। तो फर्स्ट कंडीशन में एक्चुअल ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव्ड 3,40,000। सेकंड कंडीशन जो आपको फिक्स लिमिट दी गई है 20 लाख की, एग्जम्पशन अगर कोई हो पहले अवेल की हो तो वो इसमें से लेस हो जाएगा। अब कैलकुलेशन जो है वो थर्ड में आ जाती है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब यहां पे कहीं नहीं है इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, यानी जितने ईयर कंप्लीट हुए वो आपने लेने हैं, मंथ्स को स्किप कर देना है, चाहे आपके 11 मंथ्स हो या 11 मंथ्स कुछ डेज हो उसको आप स्किप कर दोगे, टोटल कंप्लीटेड ईयर्स जो होंगे वो लेंगे। अब हमें मेन क्या निकालना है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी। तो हाफ मंथ निकालने से पहले हमें पहले एवरेज सैलरी निकालना पड़ेगा, और एवरेज सैलरी से पहले हमें सैलरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम पहले, तो सबसे पहले सैलरी निकालते हैं, हमें सबसे पहले सैलरी चाहिए। अब ये कंडीशन जब आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कवर ना हो तो सैलरी की डेफिनेशन सेम होती है जो हमने एचआरए के केस में पढ़ी, बेसिक प्लस, बेसिक होगी प्लस डीए
डीए कौन सा वाला, जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट है वो, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इस क्वेश्चन में तो कमीशन नहीं है तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। चलो लिख देते हैं, प्लस कमीशन जो आपकी फिक्स्ड परसेंटेज होती है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है सैलरी की, कमीशन नहीं है तो ये हम छोड़ देंगे, बेसिक और डीए लिखा है तो वो हम ले लेंगे। अब जैसे पहले केस में आपने क्या किया, ये 1 मंथ की आपने निकाली, यहां पे आपको क्या करना है, जो एवरेज सैलरी की डेफिनेशन जब आप लास्ट वीडियो में देखोगे तो एवरेज सैलरी की डेफिनेशन क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जो भी आपका रिटायरमेंट का मंथ है। जैसे करंट क्वेश्चन में एम्प्लॉई फेब में रिटायर हुआ है तो फेब वाला मंथ छोड़ के उससे पहले के जो 10 मंथ्स हैं उसका आपने एवरेज सैलरी निकालना है। तो एवरेज सैलरी से पहले जब मैं सैलरी निकाल रही हूं, अगर ये मैं 10 10 मंथ्स की ही ले लेती हूँ तो सैलरी आपकी 10 मंथ्स की आ गई, और उसका एवरेज कर दूंगी तो वो भी 10 मंथ्स का आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको बेसिक और डीए जो लेना है ये 10 मंथ्स का लेना है। जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में पर मंथ का लिया, इस क्वेश्चन में ये हम 10 मंथ्स का लेंगे। और कौन से 10 मंथ्स, जिस मंथ में रिटायरमेंट हुई है उस मंथ से इमीडिएटली पहले के 10 मंथ। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर के अंडर ही कंसिडर करो। सपोज जून में रिटायरमेंट हुई, जून 2019 में, तो उससे इमीडिएटली पहले के 10 मंथ्स लेने हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आते हैं चाहे नहीं आते, ठीक है। अब फेब में अगर रिटायरमेंट हुई है तो उससे इमीडिएटली पहले के जो 10 मंथ्स आपके बनेंगे वो अप्रैल 19 टू जनवरी 20 बनेंगे। अगर आप काउंट करो तो फेब 2020 में रिटायरमेंट हुई, फेब 2020 में रिटायरमेंट हुई है, तो इससे इमीडिएटली पहले के 10 मंथ्स के कहां से हुए, अप्रैल 19 2019 टू जनवरी 2020, ये आपके 10 मंथ्स है रिटायरमेंट से इमीडिएट पहले के। तो इन मंथ की आपने डीए बेसिक लेनी है, इन मंथ का आपने डीए लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो हमने बेसिक और डीए निकाला है वो इसी मंथ के अकॉर्डिंग आ गया, बाय चांस है वो कि सेम मंथ का ही निकल गया। अगर सेम मंथ नहीं होते तो इन मंथ में कितनी बेसिक थी या कितना डीए था वो हम यहाँ पे लिखना है। अभी बाय चांस जो बेसिक लिखी है हमने क्वेश्चन में वो, और डीए जो लिखा है वो इन्हीं 10 मंथ्स का आ गया, ठीक है। तो 10 मंथ्स की बेसिक हमारी कितनी थी, पहले मिली 3 मंथ्स के लिए 15,200, ठीक है, और फिर उसके बाद 7 मंथ्स के लिए मिली 15,600, तो इंटू 7, ये हमारी रिटायरमेंट से इमीडिएट पहले के 10 मंथ्स की बेसिक हो गई। फिर उसके बाद जो आपकी ये बेसिक आई, ये वाली बेसिक जो आई है, इसी का 15% कर देंगे। अब यहाँ पे डीए जो लेना है वो रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट वाला लेना है, और क्वेश्चन में दिया था कि पूरा का पूरा डीए जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, ठीक है। तो इसका पूरा हम 15% ले लेंगे, तो ये आपका होगा 1,54,800 का 15%, ठीक। ये रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट का ध्यान रखना है, ये हमने पहले भी किया है एचआरए के केस में कि कैसे निकालते, तो ये आपको अगर नहीं पता है तो आप एचआरए वाली वीडियो देखना। अब यहां से हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,54,800, और ये आ जाएगा आपका 23,220, ठीक है। तो आपकी सैलरी आ गई 1,78,020, ये आपकी सैलरी आई। हमें निकालनी है, सबसे पहले हमें निकालना है सैलरी, के बाद एवरेज सैलरी, ठीक है। अब हमें एवरेज सैलरी जब निकालनी है, जैसे ही हमारी सैलरी आ जाती है तो हमें एवरेज सैलरी निकालनी है।
तो एवरेज सैलरी की डेफिनेशन क्या थी? 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, हमें 10 मंथ्स का एवरेज निकालना है। तो ये हमने 10 मंथ्स की सैलरी निकाली। सब बेसिक हमारा 10 मंथ का था, डीए हमारा 10 मंथ का था, कमीशन तो कुछ था नहीं। तो अगर हमने ये दोनों 10 मंथ्स का लिया तो ऑब्वियसली हमारी जो सैलरी आई है 1,78,020, ये भी 10 मंथ्स की आई है। ठीक है, तो ये जो 10 मंथ्स की सैलरी आई है इसका अगर मुझे एवरेज करना हो तो डिवाइडेड बाय, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 10 मंथ्स, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे, सिंपल मैथ से ये तो। ठीक है, तो टोटल जितना नंबर आया सैलरी का डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो ये आ जाएगी आपकी 1,78,020। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले सैलरी निकालनी है। सैलरी की डेफिनेशन इस तरीके से, ये जो डेफिनेशन है इसके बेसिस पे 10 मंथ्स की, 10 मंथ्स की आप पहले सैलरी निकालोगे, उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, तो ये आपकी 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अब आप आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में तो हमें बोल रहा था एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स थोड़ी बोला था, थर्ड पॉइंट में बोला था हाफ मंथ एवरेज सैलरी, हाफ मंथ की एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी हमारी कितनी आई है 1,78,020, तो 1,78,020 डिवाइडेड बाय हाफ मंथ यानी डिवाइड बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो मल्टीप्लाई बाय 32, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने थे 32। ठीक है, तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी के लिए पहले सैलरी निकालो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 10 मंथ्स की, ये 10 मंथ्स की सैलरी आ गई, डिवाइड बाय 10 करके 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी आ गई। हाफ मंथ की एवरेज सैलरी चाहिए तो एवरेज सैलरी डिवाइड बाय 2 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो 1,78,020 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 2,84,832, 284,832। ठीक है, अब तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, तीन कंडीशन की तीन वैल्यूज, 3,40,000, 20 लाख एंड 284,832। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है तीनों में से, तो यही आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेच्युटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मेट बनाया अब उस फॉर्मेट में इस एग्जम्प्टेड वैल्यू को लिख देते हैं। हमारी एग्जम्प्टेड वैल्यू आई वर्किंग नोट से 2,84,832, टोटल ग्रेचुटी 340 में से 284,832 एग्जम्प्टेड वैल्यू लेस किया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई 55,168। ठीक है, अब सारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, बेसिक डीए एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ग्रेचुटी। तो यहां से आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, टोटल कर दो इसका, ये आ जाएगा आपका 2,33,188। भाई कैलकुलेशन आप साथ के साथ चेक करते रहना। ठीक है, तो हमने दो क्वेश्चन मतलब दो एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स हमने देख लिए। एक पार्ट जिसमें आपका ग्रेचुटी में अगर कवर हो तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इस तरीके से ये वाला पार्ट हमने देखा पूरा वर्किंग नोट बना के, और अगर कवर ना हो तो हमने देखा। ठीक है, तो आई थिंक अगर लास्ट क्लास में ग्रेचुटी में कहीं भी आपको कुछ पॉइंट अगर समझ नहीं आ रहा था तो इस क्वेश्चन से वो आपके डाउट्स जो हैं वो जरूर क्लियर हो जाने चाहिए। तो आज की क्लास को हम वहीं पे फिनिश करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।
तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं. ओके, बाय बाय.